तो अब ये सारी सॉस हम इस पे डाल देंगे बिस्मिल्लाह करके। बहुत वजनी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा दिल कर रहा है कुछ डिफरेंट खाने का, तो आज हम सोच रहे हैं अपने किचन में हम बनाएं पास्ता लज़ानिया, क्योंकि लज़ानिया तो बहुत से बनते हैं लेकिन आज हम बनाएंगे पास्ता से लज़ानिया। तो इसके लिए हमें जो चीजें चाहिए, पास्ता लिया है मैंने बॉयल किया हुआ एक पैकेट, एक अदर टमाटर लिया है छोटे छोटे स्लाइस में कटा हुआ, दो अदर शिमला मिर्च ली है स्मॉल साइज की कटी हुई, एक मीडियम साइज का प्याज लिया है कटा हुआ, चिकन लिया है बोनलेस तकरीबन एक कप, दो गोल गोल पीसेस इसके मैंने कर लिए हैं ठीक है छोटे छोटे, केचप लिए हमने एक कप, अदरक पाउडर लिया है हमने हाफ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ली है हाफ टी स्पून, नमक लिया है वन टी स्पून, लाल मिर्च का पाउडर लिया है वन टी स्पून और लसन पाउडर लिया है हाफ टी स्पून। अगर आपके पास अदरक लसन का पाउडर नहीं है तो आप पेस्ट ले सकते हैं वन टी स्पून। एक बर्तन लेंगे फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें हम ऑयल डाल देंगे 4 टेबल स्पून। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तो अब मैं इसमें डाल दूंगी चिकन। चिकन को हम फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे, तब तक फ्राई करना जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। और अब हम इसमें डालेंगे नमक, फ्लेम को थोड़ा लो कर देंगे, लहसुन पाउडर, अदरक पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे तकरीबन हाफ कप, और इसे कवर करके कुक करेंगे 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे, आराम से ये पक जाएगा। तो 5 मिनट हो चुके हैं तो अब देखेंगे, तो ये देखें अभी भी थोड़ा थोड़ा पानी है चिकन में, तो फ्लेम थोड़ी सी तेज करते हैं और इसको हल्का हल्का सा मिक्स करके पकाते हैं। पकाने के साथ साथ हम इसमें प्याज भी ऐड कर देंगे, टमाटर, शिमला मिर्च और इसको हम कुक करेंगे। ज़्यादा कुक नहीं करना सब्जियों को हमने, वरना ये होगा बिल्कुल मैश हो जाएंगे, थोड़ी नज़र आनी चाहिए ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चिकन हमारा गल चुका है ठीक है, तो मैं थोड़ा सा कर रही हूँ और ये टूट रहा है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पास्ता ऐड करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए आधा पास्ता मैंने इसमें ऐड किया और अब हम इसमें डालेंगे केचप, क्योंकि वैसे मिक्सिंग अच्छी नहीं होगी तो थोड़ी सी बचा लेंगे। अब हम यहाँ पे फ्लेम लो कर देंगे ठीक है, फ्लेम मैंने लो कर दी है। चलें तो आधा मिक्स कर लिया, बाकी का भी है ना उसे भी मिक्स कर लेंगे और इसमें हम ये सारी केचप ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जो बर्तन का साइज है ना वो छोटा पड़ गया, तो आप बड़ा बर्तन भी ले सकते हैं, इतना भी छोटा नहीं है बस ठीक है। थोड़ी सी केचप हम इधर से निकाल लेते हैं ऐसे और अब मिक्स कर लेंगे अच्छे से। थोड़ी सी फ्लेम तेज करते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं कि केचप बिल्कुल इसके साथ हल हो जाए, बिल्कुल सारी मिक्स हो जाए। तो ये देखें पास्ता हमारा यहाँ पे रेडी है, फ्लेम को हम ऑफ करते हैं, इसको हम साइड पे करते हैं और हम अपनी वाइट सॉस रेडी कर लेते हैं। तो वाइट सॉस रेडी करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, 2 कप दूध, चैटर चीज़ लेंगे हम हाफ कप, ऑयल लेंगे हम 1 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे 1 टीस्पून, लहसुन पाउडर लेंगे हाफ टी स्पून और मैदा लेंगे 1 टेबल स्पून। तो ये चीज़ें चाहिए हमें व्हाइट सॉस रेडी करने के लिए, चलें रेडी करते हैं। तो एक बर्तन लेंगे, इसमें हम ऑयल डाल देंगे, ऑयल नहीं है तो बटर ले सकते हैं, बटर से भी सॉस बहुत अच्छी बनती है लेकिन मैं यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। और मैदा डालेंगे और इसकी हमने अच्छे से भुनाई करनी है कि इसमें खुशबू आना शुरू हो जाएगी। ये देखें ना अच्छे से हमने इसकी भुनाई करनी है, वरना ये जो होता है ना इसकी जो स्मेल होती है ना वो बहुत अजीब सी लगती है, कच्ची कच्ची सी। तो हम मैदे की अच्छे से भुनाई कर रहे हैं ऑयल में,
लाइट सा कलर चेंज होगा ना तो साथ ही हम इसमें दूध ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे कलर चेंज हो गया, तो हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध ऐड करते हैं। चलें, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, लम्स वगैरह जो भी है ना वो सारे ठीक हो जाएं। और साथ ही हम इसमें लहसुन पाउडर भी डाल देंगे, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और अब इसमें जाएगा चैटर चीज़। देखिए फ्लेम मैंने लो रखी हुई है, तेज़ फ्लेम हम करेंगे तो जो सॉस है ना वो बिल्कुल सख्त हो जाएगी। थोड़ी सी हमने हल्की सी, ज़्यादा हमने सॉस को गाढ़ा नहीं करना है, थोड़ा सा पतला रखना है। और इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी डाल रही हूँ, थोड़ी सी बचा रही हूँ, ठीक है, थोड़ी सी। ये देखिए चीज़ मेल्ट हो रहा है और सॉस हमारी रेडी हो रही है। तो बस सॉस हमारी रेडी है, फ्लेम ऑफ करते हैं और थोड़ी देर बाद ये ठीक हो जाएगी हल्की सी, ठीक है। और अब हम पास्ता लज़ानिया रेडी करते हैं डिश में, और इसमें हम ये पास्ता डाल देंगे जो हमने रेडी किया है। तो यहाँ पे मैंने मोज़रेला चीज़ ग्रेट करके रखा हुआ था, हस्ब ज़रूरत मोज़रेला चीज़ आप ले लें, आपकी मर्ज़ी, ज़्यादा लेना चाहते हैं ज़्यादा ले लें, कम लेना चाहते हैं कम ले लें। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पहले नीचे डाल देंगे बस, फिर ऊपर लेयर लगाएंगे पास्ता की। तो यहाँ पे सॉस हमारी थोड़ी थोड़ी ठंडी हो गई है, तो हम इसमें डाल देंगे, ज़्यादा ठंडी होनी चाहिए थी लेकिन अभी गर्म है, कोई बात नहीं। और इस पर हम डालेंगे चीज़, मोज़रेला चीज़, थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च, ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर देंगे, फिर से पास्ता डालेंगे। तो अब ये सारी सॉस हम इस पे डाल देंगे और इसमें डाल देंगे मोज़रेला चीज़, कुटी हुई लाल मिर्च स्प्रिंकल करेंगे और ओरिगानो। और अब इसको हम बेक कर लेंगे 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए। 180 डिग्री पे मैंने प्री हीट कर लिया ओवन को 10 मिनट के लिए, तो ओवन हमारा प्री हीट हो चुका है, तो अब इसको हम बेक करते हैं बिस्मिल्ला करके। चले, दस बारह मिनट के लिए मैं रख रही हूं। तो यहां पे पास्ता लज़ानिया हमारा बेक हो चुका है, जिसको हम निकालते हैं, धुएं निकल रहे हैं, ऑफ 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 बिस्मिल्ला करके। बहुत वजनी है। तो पास्ता लज़ानिया हमारा बेक हो चुका है, जिसको हम निकालते हैं। तो इसको टेस्ट करते हैं। बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपको ये मज़े का यमी यमी से लज़ानिया पास्ते की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें। और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करके इसकी पिक्चर मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आप कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, और इस बटन पर क्लिक करके किचन विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस बटन पर क्लिक करके लाइफ विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि इससे आने वाली मेरी हर रेसिपी और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अल्लाह हाफिज़।